म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, जो कि एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो पूरी इंडिया और वर्ल्ड में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी था, लेकिन कोविड 19 के बाद इसकी जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही डिस्ट्रॉय हो गया उन पर जो है ये फंगस बहुत ही तेज़ी से आक्रमण करता है। कोविड 19 से रिकवर किए गए पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वो एक अलग स्टेट में होती है, जिन पर जो ये फंगस जो है उन पर ज़्यादा तेज़ी से आक्रमण करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड 19 से रिकवर किए गए पेशेंट है उनको ही जो है सिर्फ ब्लैक फंगस होगा। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है जैसे कि HIV, कैंसर, डायबिटीज़, ऐसी कोई बड़ी बीमारी है तो भी ये ब्लैक फंगस जो है आप पे हावी हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये ब्लैक फंगस जो है ये फैलता कैसे। हमारी एयर में मौजूद जो रोगाणु है और जो धूल है उससे जो है ये फंगस जो है हमारी जो बॉडी में एंटर कर सकता है। और अगर आपके शरीर में कोई कांटे हैं और या कोई जला हुआ हिस्सा है तो उससे जो है ये फंगस हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। जब ये फंगस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स देखा जाता है। तो जब ये फंगस हमारे बॉडी में एंटर कर लेता है तो हमारी जो आँख जो है वो लाल हो जाती है और आँखों से हम ब्लर्ड विजन और डबल विजन देखते हैं और चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द और हेडेक, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होता है, कभी कभी तो ब्लड वोमिटिंग भी होती है। तो ये थी जो ब्लैक फंगस की सिम्टम्स। तो आप बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो जब भी आप कोई धूल वाली जगह पे जाए या कोई पोल्यूटेड जो है एनवायरनमेंट पे हो तो तब भी अपने जो है मुंह पे मास्क हमेशा जो है बनाए रखें, क्योंकि इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि मास्क। और आप अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं तो डॉक्टर के परमिशन के बिना या डॉक्टर के इन्फॉर्मेशन के बिना आप स्टेरॉयड ना लें। अगर आप कोविड 19 से रिकवर हो गए तो ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बार बार चेक करते रहे। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।